मोगा पुलिस नूं वड्डी सफलता मिली है। दो वड्डे मामले दर्ज। एक मामले विच 22 क्विंटल 50 किलो चूरा पोस्त फड़िया ते दोषी फरार। दूजे मामले विच एक दोषी कोलों 2 पिस्तौल बरामद ते एक दोषी गिरफ्तार। मोगा पुलिस ने 22 क्विंटल 50 किलो चूरा पोस्त बरामद किया है। दोषी मोगा की नवी दिल्ली कलोनी में एक फ्लैट में रह रहे सन। पुलिस ने जो इस जगह छापेमारी की तो उतों एक ट्राली, एक छोटा हाथी, एक पिकअप वैन और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुए। छापेमारी तो पहले ही सारे दोषी उतों फरार हो चुके सन। पुलिस ने उक्त सारा समान कब्जे में लैके अज अदालत में पेश किया है। यह चूरा पोस्त दी बोरियां कित्थों आईयां ते अगे कित्थे वेचियां जाणियां सन, यह पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दसिया कि उक्त मुलजम चूरा पोस्त दी बोरियां नूं चिप्स दी बोरियां विच पा के रखते सन, जबकि दूजे मामले में पुलिस ने मुकबर की इतलाह से तलवंडी पंघेरियां ते रौली रोड नाकेबंदी दौरान एक नौजवान काबू किया है। तलाशी ली गई तो उसके कब्जे विचों 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोवां खिलाफ वख-वख मामले दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि मोगा के SPD अजय राज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इन दोनों मामलों बारे जानकारी दी। जे न्यूज़ पंजाबी लिए मोगा तो जोगिंदर सिंह गिल दे नाल राकेश छाबड़ा की रिपोर्ट। इन्हों जी मानयोग पंजाब DGP साहब वालों तो SSP मोगा सरदार गुरनीत सिंह खराना वालों साड़ी स्पैशल DSP निहाल सिंह वाला SHO मैणा ने कुकी चूरा पोस्त 22 क्विंटल 50 किलो की बरामद की है जी। मोगा जिला वास्ते बड़ी वड्डी रिकवरी है जी। ये काफ़ी देर के बंदे माड़े आंसर से जोड़े भुक्की चूरा पोस्त का काम करते थे जी। अपने न्यू दिल्ली कलोनी आने एक फ्लैट के टैप कह लो भी लिया होया जी, उत्थे ये लिया के भुक्की चूरा पोस्त स्टोर करते थे तो चिप्सा दिया बोरिया के नाल अगे तो अगे सप्लाई करते थे। मैणा पुलिस स्टेशन के FIR नंबर 130 इन्हों वर्करार रजिस्टर्ड की गई है। इन्हों दोषी ने जी, एक सुखबीर सिंह पुत्र अजीत सिंह शेखपुर ताइबा का रहने वाला है जी, एक भाग सिंह भागा आ नूरपुर हकीमा का है जी। जिहड़ा भाग सिंह भागा आ इहदे उत्ते पहलों भी 2 भुक्की चूरा पोस्त के परचे दर्ज ने। एक हैगा आ इहदे उत्ते जी 100 लीटर लाण का परचा दर्ज आ, एक 304 का परचा दर्ज है जी। ये सानू सीक्रेट इनफॉर्मेशन के उत्ते इन्होंने परचा रजिस्टर किया। इन्होंने दोनों की अरैसट हजे बाकी है। एक कोठी किराए ते लिखी हुई जी, ये फ्लैट आ उहदे चैक करांगे इनवैसटीगेशन के बच्चे वो बारे तू फिर जाणू करा देंगे। जो इन्हों की अरैसट होगी जी तू ही दसा जाऊ। हजे इन्हें इस मुकदमे दोवें जन की अरैसट रही है जी। ये सीक्रेट इनफॉर्मेशन आई सी तो उस विभाग के उत्ते SHO ने तो DSP साहब ने मौके पर रेड की। न्यू दिल्ली कलोनी फ्लैट नहीं जी, खाली प्लॉट के एक जिमें फैक्ट्री टाइप नहीं बने होंगे, वो हजे जी कलोनी आ पूरी लोगों के रहने के बनी नहीं बनाई नहीं गई। उदा ही चार दुआरियां हुई ने उत्थे, पता नहीं लगता बाहरों जिमें कह लो कोई फैक्ट्री टाइप जहाँ लगता देखने। ट्रक ये जी काफ़ी वीकल रिकवर होया, एक बड़ा ट्रक से 102 बोरिया रिकवर हुई। एक हैगा छोटा हाथी जी, एक छोटा कैंटरा, इन्हों 2-2 बोरिया बरामद हुई, 3 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। ये बंदे जिनी कि सानू जानकारी मिली आ इस तो उतों जो लैके आते समान तो अगे उन्होंने डिवाइड कर लेंगे जी काफ़ी थावान उत्ते भी छोटे पैकिंग करके अगे सप्लाई करते। रजिस्ट्रेशन हम कढ़ावे जी DDO साहब वालों, गड्डिया फड़ी गई सारिया साढ़े कवर कर लिया ने SHO साहब ने। मोटरसाइकिल चोरी दी है जी, वो तो चेक करा ना, इनवैसटीगेशन का पार्ट आ जी। हूँ तो हजे जस्ट हुई ने, जो रेड की गई उदो ही आरोपी फरार हो गए बंद सी कमरे नहीं। आरोपी उत्थे उन्होंने नौकर कोई सगा, आरोपी है नहीं मौके के उत्ते, पहले ही फरार हुए। चौकीदार रखा होंगे, चौकीदार इन्हें बारे कोई जानकारी नहीं सी। तुम पहलों दसिया कि जो माड़े आंसर ने अपने गैंगस्टर दस के कई गलत काम करते हैं। ये स्पैशल सैल फरीदकोट रेंज के मैणा पुलिस वालों सांझी कार्रवाई करने के उत्ते मनप्रीत सिंह मणि नाम का बंदा एक अरैसट किया गया। वो दो वैपन फड़े गए, एक 32 पिस्टल जी, तो एक 315 बोर, 4-4 कार्टनस ये रिकवर हुए हैं। ये जो बंदा है इतने पहलों भी एक केस रजिस्टर्ड होया, इन्होंने चड़क थाने के लागे एक वारदात की सी, पेट्रोल पंप से एक बंदा अगवा किया। एक FIR इतने पहलों रजिस्टर्ड है, 304 से 307 का केस रजिस्टर्ड है। ये वखलाफ भी FIR नंबर 131 2554 नाल असल एक्ट का परचा दर्ज किया। नहीं जी, ये लाइसेंस ही नहीं है जी, ये तो इन्हें कितों जिम्मे लिया होया लगता जी, वो हम चेक कर रहे हैं, इनवैसटीगेशन पता लग जूगा जी। ये 2 नंबर का वैपन जड़े ने, 1 नंबर का नहीं है कोई।